गूगल के द्वारा अपनी एक सर्विस बंद करने की बात कही जा रही है, जिसमें कुछ यूजर्स को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। गूगल ने घोषणा की है कि वे अपना क्लाउड बेस्ड गेमिंग सर्विस गूगल स्टेडिया को बंद करने जा रहे हैं। आप सभी को बता दूं कि गूगल ने इस सर्विस को आज से 3 साल पहले ही लॉन्च किया था। गूगल ने खिलाड़ियों से कहा है कि उनकी पहुंच गेम लाइब्रेरी तक ही बनी रहेगी। ये सेवा 18 जनवरी 2023 तक रहेगी, ताकि गेमर्स अपना प्ले स्टेशन पूरा कर सके। गूगल ने कहा है कि गूगल स्टोर के माध्यम से जितने भी स्टेडिया हार्डवेयर की खरीद की गई है, को तथा स्टेडिया स्टोर से जितने भी गेम एंड एडल्ट कंटेंट खरीदे गए हैं, सबको वापस किया जाएगा। कंपनी ने 2023 के मध्य तक अधिकांश रिफंड को पूरा करने की उम्मीद जताई है, परंतु स्टेडिया प्रो सब्सक्रिप्शन यूजर्स को इसका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। इस बीच गूगल स्टेडिया के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि मैं उन सभी खिलाड़ियों का सम्मान करता हूं जो अंत तक हमारे साथ बने रहे। गूगल ने इस कदम को उठाते हुए कहा है कि हमने जैसा प्रसिद्धि के बारे में सोचा था वैसा नहीं हुआ, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है।